हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी के 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि 22 से 24 अप्रैल के बीच यूपी बोर्ड का परिणाम संभावित घोषित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, संभावित दिया गया है, यानी कि आ सकता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के रिजल्ट। तो चलिए जान लेते हैं बातें कहां पर बताई गई है, सारी जानकारी आपको देते हैं। आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, छोटे से वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कल का ही न्यूज़पेपर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 22 से 24 अप्रैल के बीच यूपी बोर्ड का परिणाम संभावित यानी घोषित हो सकता है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल और इंटर के नंबर चढ़ाने का काम तेजी में है, काम तेजी से चल रहा है। अगले सप्ताह घोषित होंगी रिजल्ट जारी होने की तारीख, यानी अगले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की तारीख आ सकती है। आंकड़ों पर एक नज़र आप लोग देख सकते हैं कितने कैंडिडेट हैं। तो 31,95,603 टेंथ क्लास के यहाँ पर जो है छात्र थे, यानी छात्र या छात्राएँ थी, टोटल कैंडिडेट थे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 26,11,319 परीक्षार्थियों की संख्या थी इंटर में। तो ये टोटल इंटर और हाई स्कूल के छात्रों का आंकड़ा था दोस्तों। और आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल के चौथे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, अप्रैल के चौथे सप्ताह में बोर्ड ने परिणाम की तैयारियां तेजी कर दी है। छात्र छात्राओं के रोल नंबरवार अंक चढ़ाने का काम चल रहा है, जो एक सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों, आप लोग नीचे देखेंगे तो क्या कैसे आपकी परीक्षा ली गई, कब कब आपकी कॉपी चेक की गई, क्या हुआ बीच में, क्या छुट्टी हुई, स्नातक की परीक्षाएं आए उनके वजह से क्या समस्याएं हुई आपकी कॉपी चेक करने में, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आप लोग लास्ट में देखिएगा तो दिया गया है कि मूल्यांकन पूरा होने के अनुमान 30 दिन बाद परिणाम घोषित होता है, यानी कि जब मूल्यांकन हो जाता है उसके 30 दिन बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है आपके यूपी बोर्ड का। तो माना जा रहा है कि 22 से 26 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित हो सकता है, हालांकि बोर्ड अगले सप्ताह परिणाम जारी करने की तिथि घोषित कर देगा। दोस्तों, ये लगभग वाली डेट बताई जा रही है कि 22 से 26 अप्रैल का आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपका ये नेक्स्ट वाला सप्ताह, अगला जो वीक आएगा, उसमें आपकी जो रिजल्ट घोषित, यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित करने की डेट है वो कन्फर्म कर दी जाएगी, वो डेट पब्लिश कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।